देखिए हमारा चिकन कितना कलरफुल देखने में लग रहा है और बहुत अच्छी तरह से पक भी चुका है। देखिए कितना अच्छा से पका है, देख सकते हैं अच्छी तरह से पक गया है। सबसे पहले चिकन बनाने के लिए हम चिकन को अच्छी तरह से धो लेंगे और धो के रख लेंगे। अब चिकन के अनुसार मिर्ची, अदरक और लहसुन ले लेंगे। 3-4 प्याज काट के, से बारीक से काट के रख लेंगे चिकन बनाने के लिए। सरसों का तेल डालेंगे, आप चाहे तो उसे रिफाइंड का भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल से चिकन मटन खाने में ज़्यादा स्वाद लगता है। तेल गर्म हो चुका है, इसमें चिक बेकिंग शीट पत्ता डाल देंगे, फिर प्याज डालेंगे। भूनेंगे ब्राउन होने पर। प्याज देखिए ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाए थे उसमें डाल देंगे। धीरे धीरे इसको भी भूनेंगे। अब थोड़ी देर तक पेस्ट को भूनेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए, ऐसे लो फ्लेम में भूनते रहेंगे। ये मसाला थोड़ा ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम चिकन को डालेंगे। चिकन को डालने के बाद से थोड़ी देर तक भूनेंगे। पाँच मिनट तक थोड़ी देर तक भूनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ी देर तक उसको भूनेंगे, ताकि हमारा चिकन थोड़ा ब्राउन हो जाए। थोड़ा ब्राउन होने से चिकन खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। देखिए नमक डाले हैं, उसमें पानी देखिए कैसे छोड़ दिया है। ये पानी छोड़ने बाद आप इस ये पानी से ही आपका चिकन बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो अलग से आप ऊपर से आप पानी डाल सकते हैं। जब हम अगर आपको ग्रेवी बनाना है तो बताएंगे कब पानी डालना है। कल का ये ब्राउन हो चुका है चिकन, अब इसमें हल्दी मिक्स करेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार, कलर के अनुसार हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद आप इस 2 मिनट तक इसे भूनेंगे। देखिए कलर आ गया है, अब इसको हम थोड़े पर पकने के लिए ढक देंगे। देखिए हम ढक दिए, 1-2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन को हम उठाएंगे, देखिए देख सकते हैं चिकन को लगभग ही बन के तैयार हो चुका है। ये चिकन अब ब्राउन हो चुका है हमारा, अब इसमें हम काली मिर्च और जीरा का पाउडर मिक्स करेंगे। देखिए इसको पहले से तल के रखे हैं, तो अपने स्वाद के अनुसार डाल देंगे। गरम मसाला डालेंगे,
अब इसको हम एक दो मिनट तक भूनेंगे। ये लगभग बन के तैयार हो चुका है, अब बन ही गया सब्जी। आप चाहे तो ड्राई भी इस तरह भी रख सकते हैं। देखिए इसमें कलर आ चुका है। इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डालें। चिकन बनके तैयार हो चुका है, कलर ऊपर आ गया है। दिखने में कितना कलरफुल लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। देखिए हमारा चिकन कितना कलरफुल देखने में लग रहा है और बहुत अच्छी तरह से पक भी चुका है। देखिए कितना अच्छा से पका है, देख सकते हैं अच्छी तरह से पक गया है। आप इसे चाहें तो रोटी या चावल दोनों साथ सर्व करके खा सकते हैं, खाने में बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।